शाहिद कपूर को बॉलीवुड में आज 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आज भी उन्हें सुपरस्टारडम नहीं मिल पाई है। लगातार बुरी बुरी फिल्में करने वाले शाहिद कपूर के लिए उनकी फिल्म जब वी मेट की सक्सेस ने उनके करियर को एक नई पहचान दी। इसके बाद उन्होंने बीच बीच में कुछ अच्छी फिल्में जैसे कि कमीने, उड़ता पंजाबी की, लेकिन उन्हें वैसी सफलता नहीं मिल पाई जैसा कि लोग अक्सर एक बड़े स्टार की फिल्मों से उम्मीद लगा कर रखते हैं। वहीं उनके बाद आए एक्टर जैसे कि रणवीर कपूर और रणवीर सिंह उनसे स्टारडम और पॉपुलैरिटी की रेस में कहीं ज्यादा आगे निकल गए हैं। जब उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत की, तब उसमें रणवीर सिंह के कैरेक्टर को उनके कैरेक्टर से ज्यादा शोहरत और लाइमलाइट मिली, जिससे उनके फैंस को थोड़ा धक्का जरूर लगा, लेकिन इसके बाद आई फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी सुपरहिट मूवी साबित हुई। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कबीर सिंह की, जिसने उन्हें ना सिर्फ एज अ एक्टर पॉपुलैरिटी दिलाई बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी इसने 250 करोड़ का कलेक्शन का आंकड़ा टच करके उन्होंने ये सबको जता दिया कि वे बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय तक टिके रहेंगे। वहीं लेटेस्ट वेब सीरीज फर्जी से उनको और बड़ी सक्सेस देखने को मिली। फर्जी के बाद शाहिद कपूर दो बड़ी बजट की मूवी में नजर आने वाले हैं, जिसमें से एक फिल्म है अब्बास अली जफर की फिल्म ब्लडी डैडी, जिसमें शाहिद कपूर एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। वहीं एक और फिल्म है जिसमें कीर्ति सेनन उनके अपोजिट कास्ट की गई है। ये फिल्म अभी तक अनटाइटेड है, लेकिन जल्दी इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी। और ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी होगी जिसमें ये दोनों स्टार पहली बार एक साथ नजर आने वाले हैं। गाइस, अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।